जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट डीके गोयल सर की बुक से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 25 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। सर, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिससे हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। 31 मार्च 2016 और 17 दोनों के बैलेंसेज दिए हुए हैं। प्लांट एंड मशीनरी दिए सर यहाँ 12 लाख की और 15 लाख रुपये की। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ सर 1.5 लाख और 4,20,000 रुपये का। जमीन दी है, लैंड दी हुई है हमें 5 लाख और 4 लाख रुपये की। ये ओपनिंग बैलेंसेज है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब अगर हम इनका अकाउंट बनाते हैं तो ये डेबिट साइड आएंगे और ये क्रेडिट साइड आएंगे। तीनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर तीनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए हैं तो तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं दिए उसके अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर चार्ज हो रहा है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 1,20,000 है, सोल्ड ये भी है प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी आपको एडजस्टमेंट दिए और ज़मीन बेची गई है 80,000 के प्रॉफिट पर, मतलब तीनों ही चीज़ों से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दिए। तो आप सिंपली सबसे पहले ज़मीन का अकाउंट बना लो क्योंकि अब तक बनाया भी नहीं है। लैंड अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी अकाउंट बनाने की और आप क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी को भी समझ पाएंगे कि अकाउंट बनाने के बाद क्वेश्चन कितना सिंपल होता है। एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक का मतलब ये है किसी एक ही फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होगी, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी दे, हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स दे, या हो सकता है ज़मीन दे। टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, कौन सा बैलेंस आएगा दोस्त? एक ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। एक 16 का है और एक 17 का है। 16 का है 5 लाख, 17 का है 4 लाख। तो 5 लाख रुपया सर डेबिट साइड में आना चाहिए। आफ्टर दैट क्रेडिट साइड में जाएंगे तो यहाँ बाई बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस यानी 2016-17 का बैलेंस आएगा जो कि है 4 लाख रुपए। यहाँ 5 लाख रुपए दिया है दोस्त और यहाँ पर दिया है 4 लाख रुपीज। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे परचेज की, सेल की, प्रॉफिट की, लॉस की। तो लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 80,000, जमीन हमने बेची है प्रॉफिट पर 80,000 रुपए के, यानी प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा दोस्त? टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 80,000 रुपया। मतलब जमीन हमने बेची है 80,000 रुपये के प्रॉफिट पर। ये नहीं पता पर कितनी बेची है, क्या बेची है सर? प्रॉफिट डेबिट साइड ही आता है हमेशा। हाँ सर, आपको अगर याद हो तो प्रॉफिट हमेशा यहाँ पर जमीन के अकाउंट में डेबिट साइड आता है। तो सर यहाँ आ जाएगा 5,80,000 रुपया और यहाँ आ जाएगा आपका 4 लाख। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर जितने की बेची है 1,80,000। जहाँ पर सर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, जमीन के केस में बेटा डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ज़मीन है ना लैंड, इसकी कोई लाइफ फिक्स नहीं होती, आज खरीदी हज़ारों साल तक चलेगी, तो इस पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता आपका। प्रॉफिट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी इसलिए लिखा, लॉस के बारे में होती तो इधर लिखता, अगर कमी इधर आती तो परचेस, क्योंकि कमी इधर आई है तो सेल के नाम से डाली जाएगी। मतलब हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो ये कि 1,80,000 रुपये को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय यहाँ तुरंत लिख लेंगे सेल ऑफ लैंड प्लस में 1,80,000। अगर कुछ परचेज करी होती तो परचेज ऑफ लैंड लिखकर माइनस लिख देता, परचेज होती तो यहाँ आती बैलेंसिंग फिगर। समझ आ रही होंगी आई होप आपको बात है। ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा अकाउंट बनाते हैं। आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी दी है 12 लाख रुपए की और 15 लाख रुपए की। सर दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम? प्लांट एंड मशीनरी का, क्योंकि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दिया है तो यहां सर सिंपली एक अकाउंट बनाया जाएगा सेम जमीन अकाउंट की तरह। बट फर्क क्या होगा कि वहां पर क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता था बट यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बताओ कौन सा? सर ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये डेबिट साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा, ये टू बैलेंस बीडी और ये बाई बैलेंस सीडी। टू बैलेंस बीडी 12 लाख रुपए और बाई बैलेंस सीडी 15 लाख रुपए। यहाँ टू बैलेंस बीडी 12 लाख और बाई बैलेंस सीडी 15 लाख रुपए। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन चार्ज किया है सर 72,000 रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे
बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट 72,000 रुपीज़। आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1,20,000 सोल्ड फॉर 75,000। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 1,20,000, वो बेचा गया है 75,000 का। मतलब कोई प्लांट मशीनरी, हमेशा देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको बुक वैल्यू से कंपेरिजन कराना होता है। अगर यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट दी होती तो मैं अब तक का डेप घटाता, बुक वैल्यू निकालता, बट यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दी है। 1,20,000 रुपये की बुक वैल्यू है, इसको बेचा गया है 75,000 रुपये में। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे पाई बैंक अकाउंट 75,000 रुपीज़, और यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 45,000 रुपये। सर ये कैसे किया आपने, 1,20,000 की बुक वैल्यू थी जिसको 75,000 का 75 का भेजा, तो आपको लॉस हो गया। 1,20,000 में से 75 घटाए तो 75,000 का आपका आ गया लॉस, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑन सेल। यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ लैंड, हमारे काम की ये चीज़ है, इसको पीछे ले जाएंगे। बट सर डेबिट और क्रेडिट में जो फ़र्क आ रहा है वो किस चीज़ से जाएगा, 1,50,000, 75,000, 1,620,000 और 1,692,000। आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर होगा। प्लांट एंड मशीनरी का जब फॉर्मेट बनाया जाता है तो डेबिट साइड मैक्सिमम 3 चीज़ें आ सकती हैं, ओपनिंग बैलेंस, परचेज और प्रॉफिट अगर हुआ है बेचने पर। तो क्रेडिट साइड डेप्रिशिएशन आता है क्योंकि इसकी वैल्यू को कम करता है, बेची है कोई मशीनरी तो चली गई है हमें छोड़कर, उसे हटा देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे अगर लॉस हुआ है उसे बेचने पर, तो लॉस हुआ है तो प्रॉफिट तो होगा नहीं और प्रॉफिट हुआ है तो लॉस नहीं होता। डेबिट साइड आएगा आपका टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेस्ड, 1,92,000 में से 12,00,000 गए, 4,92,000 का आएगा दोस्त आपका परचेजेस, 1,92,000। सर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा फटाफट से। 4,92,000 हमारे काम का है क्योंकि परचेज करिए तो माइनस होगा और सेल करिए तो प्लस होगा। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा आपका 75,000 रुपीज प्लस में, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा आपका 4,92,000 रुपीज़। सिंपली सेल सेल प्लस होंगे और परचेज वाला माइनस होगा। आपका डेप्रिशन से रिलेटेड कहानी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी का पूरा अकाउंट बन गया। आफ्टर दैट हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट पर। सर इसका बिना अकाउंट बनाए क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो भाई होने को तो हो सकता है बट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में वो क्लैरिटी नहीं आएगी, तो 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो लग जाने दो, बट आप कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, अगर दोस्त करंट इन्वेस्टमेंट होता तो कहीं कुछ नहीं आता, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स कैसी चीज़ें होती हैं दोस्त, करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की तरह। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म दिया है 1,50,000 का और 4,20,000 का, ओपनिंग बैलेंस ये है 1,50,000 दोस्त, और 4,20,000 है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000 क्योंकि ये भी एसेट का अकाउंट है, यहाँ लिखेंगे दोस्त टू बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखेंगे दोस्त बाई बैलेंस सीडी, क्लियर है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस। अब जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी होगी हम उसे उस तरह पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर 3,00,000, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए खरीदे दोस्त, 3,00,000 रुपए के, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज इसकी हमें कीमत दी हुई है, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज्ड 3,00,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट परचेज किए हुए 3,00,000 रुपए के। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए किस पर, लॉस में, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 रुपए, लॉस आया है तो इस तरफ, प्रॉफिट के बारे में जानकारी दी होती दोस्त तो हम इस तरफ लिखते, इधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है ज़मीन और इन्वेस्टमेंट में कभी भी डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, क्योंकि ज़मीन जो होती है उसकी लाइफ फिक्स नहीं होती, और इन्वेस्टमेंट्स आपकी कोई टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स एसेट नहीं होती जिसको आप यूज़ करते हो, तो आपने किसी और कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है, तो इस पर भी डेप्रिशिएशन आपका नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं कि सर सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000, वो तो डाल दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड को कहाँ डालोगे, इधर या इधर, तो सर इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ कहीं नहीं आती, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी यहाँ जरूर आएगी, कहाँ पर जरूर आएगी,
यहां जरूर आएगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, आपका रेंट रिसीव्ड हो या आपका डिविडेंड रिसीव्ड हो, तीनों ही चीजें आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस की जाती है क्योंकि इसकी वजह से पैसा हमारा आता है। क्लियर है दोस्तों, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने वहां डाल दी। इधर की अगर मैं बात करूं तो सर हमें परचेज की जानकारी दी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं और लॉस दिया है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, मेरी बात बताओ वो क्या चीज़ आएगी बैलेंसिंग फिगर, वो सेल आएगी या वो डेप्रिसिएशन आएगी? सर डेप्रिसिएशन अभी तो मना किया आपने, डेप्रिसिएशन तो लगता ही नहीं, वो हमारी सेल ही आएगी। तो सर यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, और वो चीज़ क्या होगी दोस्त? बैलेंसिंग फिगर, इधर का टोटल करके इधर का टोटल माइनस करेंगे तो 1.5 लाख और 3 लाख, ये आएगा 4,50,000 रुपीज़, 4,20,000 और 10,000, 4,30,000, तो 20,000 रुपये का आएगा दोस्त आपका बाई बैंक ब्रैकेट में सेल। तो हमारे काम का एक तो ये है प्लस हो जाएगा और ये हमारे काम का माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस होंगे, पैसा आता है इनकी वजह से, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके माइनस होंगे क्योंकि आउटफ्लो है, पैसा जाता है इनकी वजह से। पूरी कहानी सिंपल सा समझ लो, अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी कलाकारी का काम नहीं है, सिंपल आप एक बार फॉर्मेट देख लो और लैंग्वेज को अप्लाई करना सीख जाओ। जैसी लैंग्वेज लिखी सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए लॉस, बस आपका वही क्लिक माइंड चलना चाहिए कि अच्छा सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, हमें नहीं पता कितने बिके हैं, बस जितने भी बिके हैं उन पर हमें लॉस हुआ है 10,000 का। अगर वो लिख देता सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000-15,000 तो मैं इस लाइन को इधर कोट कर देता। आपको बस जगह पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट है तो इधर और लॉस है तो इधर, परचेज है तो इधर और सेल है तो इधर, डेप है तो इधर। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो सर हम 20,000 रुपये को सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में 3 लाख रुपये डालते हैं और फिर देखते हैं हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सही आता है या नहीं। तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये और परचेज ऑफ यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख रुपये। जिसके बारे में जानकारी नहीं दी उसे हम देखते ही नहीं है, जैसे यहाँ पर जानकारी परचेज की थी तो हमने लिख लिया। अब 3 लाख रुपये माइनस का और 4,92 माइनस का, दोनों को एक तरफ लिख लिया तो मैंने माइनस के लिख लिया 7,92,000। इधर 1,80, 75,255, 15,270,000, 18,725,26, 2,70,000 और 2,90,000, 1,2,3,4, 2,90,000 प्लस का है और 7,92,000 माइनस का है, तो नेट आंसर आएगा हमारा 5,02,000 रुपया, 5,02,000 रुपीज़। दैट इज़ क्या बोलेंगे सर इसको, हम बताइए जल्दी से सर, इसे बोल देंगे क्योंकि माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या बोलेंगे दोस्त इसको हम? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 5,02,000 रुपया। आई होप आपको मेरी बात आराम से समझ में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए मास्टर क्वेश्चन बन सकता है फॉर टू रिवाइज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पूरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आपको एक सिंगल क्वेश्चन में रिवाइज करा सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के साथ, क्योंकि वहां पर आपको जरूरत होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 4 वाली कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ने की करने की, क्योंकि वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है मेरे बच्चे, तो पहले एक बार रिवाइज कर लेना अगर इन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया, और जिन बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट 1, 2, 3 की वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि वो आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, पेपर वहां से बाहर कहीं नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना जरूर याद रखेंगे, शेयर तो करेंगे ही, आप दोस्तों के संग चैनल को सब्सक्राइब भी करना याद रखेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ क्वेट कर रहा हूँ जिससे आप कोई भी क्वेरी मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, 7906786321 पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।